अब बात करते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। आमिर खान अब अपनी अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में बिजी हो चुके हैं, जो साल 2018 में दिवाली पर रिलीज होगी। खास बात इस फिल्म की यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे और बिग बी के रोल का खुलासा हो चुका है। तो भाई आखिर क्या है बिग बी का रोल, आइए देखते हैं। बीते साल फिल्म दंगल से धमाल मचाने के बाद अब आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की तैयारियों में जुट गए हैं और फिलहाल वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि इन दिनों आमिर खान अपने लुक टेस्ट में लगे हुए हैं। दंगल के प्रमोशन के दौरान से ही आमिर खान डिफरेंट दाढ़ी और हेयर स्टाइल में नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि उनका ये लुक फिल्मी है, लेकिन हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर आमिर ने अपने लुक्स के बारे में खुलासा करते हुए कहा है कि उनका लुक अभी फाइनल नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अभी लुक हम लोग चल रहा है, मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, अब छोटी की है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी भी। तो सुना आपने, अभी आमिर काफी बदले लुक्स में नजर आने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस फिल्म में आमिर के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे और उनके किरदार का भी खुलासा हो चुका है। सोर्सेस की माने तो बिग बी आमिर के साथ ठग ऑफ हिंदुस्तान में ठगी करते नजर आएंगे और ये पहला मौका होगा जब सिल्वर स्क्रीन पर बिग बी और आमिर खान को दर्शक एक साथ देख पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में आमिर खान के पिता के रोल में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर के पिता के रोल में बिग बी को देख पाएंगे। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है उनका रोल कुछ और ही हो। वहीं खबर तो ये भी आई थी कि दंगल फेम फातिमा सना शेख आमिर और बिग बी के साथ इस फिल्म में नजर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फातिमा ने उन तमाम खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो ठग ऑफ हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाली है। अब देखते हैं ठग ऑफ हिंदुस्तान में नई हीरोइन कौन हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब बिग बी और आमिर खान इस फिल्म में साथ नजर आएंगे तो कुछ नया धमाल जरूर होगा। वैसे आपको बता दें कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जो साल 2018 में दिवाली पर रिलीज हो रही है। ग्यारह रिपोर्ट IBC 24।